सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने 16 अगस्त मतलब आज SSC CGL का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका जो GS का पार्ट है उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं हम प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा के नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा गया था तुर्कान चहलगामी किसने बनवाई थी, इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर आपका होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न आपका था इंटरप्टर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो है झुंपा लहरी। राइट आंसर आपका झुंपा लहरी होगा। तीसरा प्रश्न आपका था कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन में था कनाडा, तो राइट आंसर आपका कनाडा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका था पद्म विभूषण 2021 कितने लोगों को मिला, तो ये 7 लोगों को दिया गया था। राइट आंसर आपका 7 होगा। पाँचवा प्रश्न आपका था राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो राइट आंसर आपका होगा उपराष्ट्रपति। छठा प्रश्न आपका था स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न आपका था कच्चे आम को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर आपका होगा कैल्शियम कार्बाइड। आठवां प्रश्न आपका था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रहा है तो आपका उत्तर होगा 14 सितंबर, और अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करता तो आपका उत्तर होता 10 जनवरी। नौवां प्रश्न आपका था भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर आपका ये होगा। दसवां प्रश्न आपका था 2021 में किस देश के PM को पद्म विभूषण दिया गया, तो शिंजो आबे को, जापान के ये प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर आपका होगा लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न आपका राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इस समय एम वेंकैया नायडू। राइट आंसर आपका एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न आपका था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता, तो राइट आंसर आपका होगा नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, तो आपका राइट आंसर लुम्बिनी। 15वां प्रश्न आपका पूछा गया था हरा शैवाल को क्या कहा जाता है, तो क्लोरोफाइटा कहा जाता है। 15वां प्रश्न आपका बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो राइट आंसर आपका होगा 5। 17वां प्रश्न आपका था आउटपुट डिवाइस पूछा गया था कंप्यूटर से, तो ऑप्शन में आपका था स्पीकर, तो स्पीकर आपका उत्तर होगा। एक प्रश्न आया था काकोरी कांड कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था सन 1925 में, ये आपका गोरखपुर में हुआ था। 19वां प्रश्न आपका अनुच्छेद 21 का को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये आपका संशोधन 86वां संशोधन 2002 के तहत। राइट आंसर आपका होगा 86वां संशोधन 2002। अगला प्रश्न आपका था 20वां आवर्त सारणी के वर्ग ए और वर्ग दो के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग एक को क्षारीय और वर्ग दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 21वां प्रश्न आपका था बोरेल वन जी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। 22वां प्रश्न आपका था डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संक्रमण तत्व। तो ये रहे 22 सेकेंड शिफ्ट जो 16 अगस्त को आज पेपर हुआ है उसका GS के प्रश्न। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।